नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे का जो हम टिकट बुक कराते हैं उसका, अगर हमारा टिकट वेटिंग में, तो उसका पीएनआर स्टेटस कैसे चेक करते हैं, यानी कि हमारा टिकट कंफर्मेशन का स्टेटस या फिर पीएनआर स्टेटस कैसे चेक करते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल में जाके IRCTC डालना है। सबसे पहले हम IRCTC ओपन करते हैं। उसमें हमने IRCTC ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉगिन करना होता है। इसके लिए हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड या तो हमारे पास होने चाहिए या फिर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से साइन अप में जाके क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि IRCTC से हमें पीएनआर स्टेटस चेक करने के लिए हमको क्या है, हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। हमने यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम जाकर के और इंक्वायरी, ऊपर कॉर्नर में इंक्वायरी ऑप्शन है, इंक्वायरी ऑप्शन में चेक पीएनआर स्टेटस पे क्लिक करते हैं। पीएनआर स्टेटस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ, हमें हमारा यहाँ पर जो 10 नंबर का जो पीएनआर नंबर होता है वो इसमें एंटर करना होता है। हम यहाँ अपना 10 नंबर का जो पीएनआर नंबर होता है इसमें एंटर करते हैं। जैसे ही हम गेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमारा पीएनआर नंबर होता है उसका स्टेटस हमारे सामने शो हो जाता है, यानी कौन सी ट्रेन है, कब से कब तक है, कौन सी श्रेणी है, कितना बुकिंग अमाउंट है, वो सारी चीजें नीचे हमारे सामने आ जाता है कि जो है बुकिंग स्टेटस हमारा क्या है। जैसे यहाँ पे बुकिंग स्टेटस दिया हुआ है, ये सारा इसमें दिया हुआ है और ये सारी इनकी जो फुल फॉर्म है वो दी हुई है। इस प्रकार से हम IRCTC पे लॉग इन करके हम PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हम बिना लॉग इन किए हुए भी हम अपना PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है कि हमें गूगल में पीएनआर स्टेटस डालना होता है। पीएनआर स्टेटस डाल के सर्च करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी लिंक आ जाती हैं। इनमें से किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद तो हम यहाँ इनमें से दी हुई एक लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये मांगता है पीएनआर नंबर, और ये पीएनआर नंबर डालने के बाद गेट पीएनआर स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये हमारा जो पीएनआर का स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाता है। इस प्रकार से हम IRCTC की साइट पे लॉग इन करके भी अपना पीएनआर स्टेटस जान सकते हैं। अगर हमारे पास लॉग इन आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम गूगल में जाके पीएनआर स्टेटस डालते हैं और वहाँ पे बहुत सारी लिंक आ जाती है, उनमें हम अपना पीएनआर स्टेटस डाल के भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।